जिज्ञासा होगी, क्यूरोसिटी होगी कि आफ्टरऑल क्या बात है जो आज मैम जो है डायरेक्टली मैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट से बात करना चाहती हूँ, रिस्पेक्टेड आवर नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी सर से, बिकॉज आई हैव मेट हिम पर्सनली, इज़ अ ग्रेट जेंटलमैन। लेकिन आखिर ऐसी आज क्या नौबत आ गई कि मुझे हमेशा मैं बोलती हूँ ट्रूथ के लिए, सही के लिए लड़ती हूँ, सच्चाई के लिए लड़ती हूँ। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत झेला भी है, और सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछा। तो आज सोचा कि आज क्यों ना अपने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट से भी बात की जाए। सर, आई डोंट नो वेदर यू नो मी और नॉट, बट आई नो यू बिकॉज आई हैव मेट यू पर्सनली, मे बी यू हैव फॉरगेटन माई फेस, लेकिन मैं आप ही की पार्टी की एक सदस्य हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और महिला जिला अध्यक्षा हूँ किशनगंज से, बिहार से। सबसे पहले तो शुरुआत करूँगी मैं हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से कि सर आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बिहार यूनिट है हमारा, सर अगर आपको लगता है कि MIM पार्टी बिहार में इलेक्शंस है और अभी इलेक्शंस बिल्कुल सामने हैं, तो बिहार यूनिट पार्टी अगर सिर्फ 2 या 3 लोगों से चलेगी तो सर आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। मैं ये अपने स्टेट प्रेसिडेंट के बारे में बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं, अख्तरुल इमान साहब बहुत अच्छे हैं और मैं निजी तौर से उन्हें बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ 3 या 2 मेंबर जो हैं वो बैठ के बिहार यूनिट पे हुक्म न जमाएं, इन द सेंस कि आई डोंट नो यू आर गेटिंग मी और नॉट, दे कॉल इट एरोगेंस बट आई कॉल इट सेल्फ एश्योरेंस। यू लाइक इट, इट्स ग्रेट, यू डोंट लाइक इट, आई डोंट केयर। क्योंकि अभी हाल फिलहाल मीटिंग हुई थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें अगर MIM का जिस तरीके का एक इमेज था पूरे समाज में जो बना हुआ था, बहुत हद तक वो इमेज अब बहुत अच्छी हो गई है। पहले तो MIM का नाम कोई सुनता तो लगता था कि भाई हाथ में वो हम बॉम्ब लेके घूम रहे हैं, कहीं फोड़ देंगे जाके। अगर मैं किसी को ये बोलती थी कि मैं MIM की नेत्री हूँ तो दे यूज टू लुक मी लाइक दिस, व्हाट तुम MIM में हो, ऐसा लगता था जैसे कोई जंगल वो किसी जू के अंदर से किसी को देख रहे हो, वो इस तरीके का वो रिएक्शन देते थे या फिर दूर हट जाते थे, बाप रे बाप ये तो MIM पार्टी की है, ऐसा लगता था जैसे मैं किसी आतंकवादी पार्टी की हूँ। लोग किस तरह से आप लोग, मतलब आप लोगों ने क्या वो इमेज बना के रखी हुई है। और अभी जो करंट सिचुएशन है बिहार में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी वजह से है बिहार का बहुत अच्छा, नो नॉट एट ऑल, इसमें हर एक कार्यकर्ता की उतनी ही ज़्यादा क्रेडिट है जितना कि बड़े लोगों का। मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, आई डोंट नो सर हाउ टू यू नो, आई हैव कम लाइफ टू जस्ट एड्रेस दिस थिंग टू माय नेशनल प्रेसिडेंट। आई रियली डोंट नो कि आई होप माय वर्ड्स एंड सेंटेंस रीचेस टू यू एग्जैक्टली द सेम वोकैबुलरी एंड इमोशंस दैट आई एम ट्राइंग टू यू नो पुट इट फॉरवर्ड, लाइक जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आप समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे एक शेर बोलना चाहूँगी, मैंने अभी कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं ये भी बोलूँगी सर आपको। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, हम पहुँचे तो बोला बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। गाइस, आई थिंक कि मुझे और तो समझाना नहीं पड़ेगा, अगर किसी के पास भी अक्ल होगा तो वो समझ जाएंगे। एंड टू आवर नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बिहार में जो यूनिट है, अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ 2-3 लोगों से चल जाएगा, नो ये नहीं होगा सर। आपको देखना पड़ेगा आपको बाकी लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है या वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनको क्या क्रेडिट दिया जा रहा है, क्या क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ चंद आदमियों के रहने से 2 और 3 जो मेन चीफ बिहार के हैं वोट के चले जाएं और पीछे से वो आपको काम बताने लग जाएं और चीज़ों को करने लग जाएं। आई एम नॉट हियर टू इन दिस नेशनल, ये जो प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर मैं ये नहीं बोलना चाहती कि
क्या है, हम तो बीच में भी बैठ के बात कर सकते हैं। अब मुझे पता है अभी मैं ये बंद करूंगी मुझे फोन आने शुरू होंगे, क्या हुआ मैडम, क्या बात है, क्या हो गया था, ये बताइए बताइए। और फिर सब क्या बोलेंगे, आपको वेट करना चाहिए था, आपको ये बातें पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए। मैंने कोई भी बात पब्लिकली नहीं बोली है, अभी तो मैं बोली ही नहीं हूँ, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि अगर मैं मोदी जी से पूछ सकती हूँ तो मैं अपने नेशनल प्रेसिडेंट से भी पूछ सकती हूँ। सर यू नीड टू पे अटेंशन हियर, आई एम अ डॉक्टर एंड मैं आपकी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ किशनगंज की, इफ़ यू रिमेंबर, एंड इफ़ यू डोंट इट्स फाइन सर, थैंक यू। लेकिन मैं आपकी पार्टी में जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि आप भी काम कर रहे हैं। सिर्फ दो या तीन लोग जो हैं वो बैठ के हुक्म ना चलाएं कि यू नो इट्स लाइक दैट कि आप टिकट काटिए, बैठ के टिकट काटिए, मतलब आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करना, क्या करना है। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल, मैं बहुत न्यू थी पॉलिटिक्स में, तो एक साल पहले की बात है, एक पोस्टर लगा था प्रत्याशी करके लगा दिया था इन लोगों ने, मेरे जो भी थे मेरे स्टाफ ही मैं बोलूँगी उनको। तो जब मैं पहली बार उस पार्टी में आई थी सर, तो समवन यूज द वर्ड सदर, हमारे जो पार्टी के सदर हैं आप उनसे बात कीजिए। तो मैंने कहा हूँ, तो उन्होंने कहा सदर, मैंने कहा व्हाट डज इट मीन, आई डोंट नो। तो आई केम बैक होम, आई कीप ऑन आस्किंग एवरी वन व्हाट डू मीन बाई सदर, दिस नोबडी सेड कि पता नहीं। सो आई गूगल इट, देन आई केम टू नो कि इसका मतलब होता है आपका पार्टी का चीफ, जो आपके पार्टी का चीफ है उसको सदर बोलते हैं। और हमारे ये उर्दू लफ्ज़ है, हिंदी लफ्ज़ है, आई डोंट नो कौन सा वर्ड है। मैं बस ये बता अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं इतनी ही न्यू हूँ कि मुझे नहीं पता था तब कि सदर का मतलब चीफ होता है। सब मुझे बोलते थे सदर से पूछो, सदर से पूछो, आई डोंट नो हु इज सदर, आई थॉट इज समवंस नेम। सो व्हेन आई केम टू नो कि नहीं सदर चीफ को बोलते हैं, जो मेन पर्सन होते हैं, जैसे हम चीफ बोलते हैं या बॉस बोलते हैं, आप सदर बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में जो भी। उसी तरीके से कई लोगों ने प्रत्याशी, मेरा जो ये पोस्टर लगा था ना प्रत्याशी वाला, जिसमें बहुत हंगामा मचा था कि मैंने खुद को डिक्लेयर कर दिया, मैं कौन होती हूँ डिक्लेयर करने वाली, आई एम नो वन, तब भी यही बोल रही थी, आज भी बोल रही हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि प्रत्याशी लिखना होता है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ सर, मैं एक बहुत ही लाइक डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ। पापा आईएएस ऑफिसर, भाई पायलट, मैं खुद डॉक्टर, तो मेरा बैकग्राउंड ही बिल्कुल अलग है। मुझे ये पॉलिटिकल चीज़ों का पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज जो जो लोग झंडे लिए घूम रहे हैं, मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ, मैं वहाँ का प्रत्याशी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, आज इतने प्रत्याशी आ गए हैं, इतने प्रत्याशी आ गए हैं कि मैं तो देख देख के हैरान हूँ भाई, इतने प्रत्याशी आए कहाँ से, MIA में कब आए। मुझे वो भी दिन याद है लोकसभा के टाइम पे जब चुनाव हारे थे हम, और 15 अगस्त का वक्त था, वो आप मेरे फेसबुक पेज पे या MIM बिहार के पेज पे जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे झंडे की सलामी देते वक्त अख्तरुल ईमान सर के बगल में कौन कौन खड़ा था, जरा प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, और आज की स्थिति क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप व्हेन यू रन अ पार्टी तो आपको सबको लेके चलना है ना, दैट्स व्हाट वी डू। जब हमें हम डिपार्टमेंट चलाते हैं, हम वी आर डॉक्टर्स, हमें अपने जूनियर्स को सिखाना है, तो वी ऑल गो टुगेदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टी में प्रॉब्लम है, नो नॉट एट ऑल। आज हमने बल्कि और मैंने या संतोष भाई ने ये साबित कर दिया है कि ये हिंदुओं की भी पार्टी है और सेक्युलर पार्टी है, और सारे लोग इस बात को मानते हैं। पहले इस पार्टी को हैदराबाद ही बोलते थे, अब आप सुनेंगे कि ये बोलते हैं MIM बिहार, कितना अच्छा लगता है सुन के। और पहले सुने को क्या मिलता था, हैदराबादी पार्टी है, अब कोई नहीं बोलता, अब बोलते हैं MIM बिहार। आई डोंट नो मेरा कितना इसमें वो रहा है, लेकिन हाँ मेरा ये कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैंने बहुत बहुत थपेड़े खाए हैं, बहुत झेला है, देश निकाला मिल गया था, समझ लीजिए कि घर से भी मिल गया था, ससुराल से भी और मायके से भी, ना मम्मी बात करती थी ना पापा बात करते थे, और बहुत बुरा हाल था। उस कंडीशन में मैंने ज़िद पर ये पार्टी को लिया था। तो ये जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाया, ये वीडियो मुझे लोग भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या बात है मैडम, आप किधर हैं, आप तो नज़र ही नहीं आती हैं,
और इतने गंदे अल्फाज ये लोग यूज़ कर लेते हैं, मुझे तो सबसे ताज्जुब होता है कि इनकी माँ बहन इनके साथ किस तरह से रहती होंगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनकी घर की जो माँ बहनें हैं वो किस तरह से रहती होंगी भाई। और मैं ये बोलना चाहती हूँ असदुद्दीन ओवैसी सर आपको कि सर आपके चीफ बिहार चीफ इज़ वेरी गुड, इज़ अ जेंटलमैन, ग्रेट ह्यूमन बींग, बट देयर आर पीपल जो कि आपको ठीक है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट वो होंगे, शुरू से हर कोई होता है पार्टी में, वी एग्री टू इट, लेकिन हम भी हैं तो हमें ऐसा ना फील कराया जाए कि हम आई डोंट नो, आप लोग कभी कभी होता है ना कि वर्ड्स बोलना नहीं पड़ता है और आप समझ जाते हो। तो जो मेरी जनता है जो मुझसे लगाव रखती हैं, जिनको लगता है कि मैंने सच में झेला है, और ये घटिया लोग जो बीजेपी वाले तिलक लगा के और मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, पता नहीं अपनी बेटियों को भी शायद ऐसा बोलते होंगे, बट मैं फिर भी इनको वही बोलूँगी कि थैंक यू आपने मुझे ऐसा बोला, थैंक यू वेरी मच, मैं अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आपकी उम्र मुझसे बड़ी है, आपने मेरे बारे में गलत बोला कोई बात नहीं, लेकिन सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई बस की कंडक्टर नहीं हूँ कि मैं बैठ के टिकट काटूँ। मैं आपको ये बात एकदम क्लियरली बोलना चाहती हूँ एंड इन वन लाइन, मैं कोई बस की कंडक्टर नहीं हूँ जो बैठ के टिकट काटूँ। ये ध्यान से सुन लीजिए सब के सब, आप मुझे इलेक्शन लड़ाते हो लड़ाओ, नहीं लड़ाते हो मत लड़ाओ, दैट्स ऑल ओके, आई एम नॉट अ बस कंडक्टर, ओके, दिस इज़ फॉर यू ऑल, मैं कोई बस कंडक्टर नहीं हूँ जो बैठ के टिकट काटूंगी। एंड 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 या वन थिंग मोर कि मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी ऑनेस्टी या कुछ वो प्रूफ करने की, मेरी ऑनेस्टी मेरी जनता ने देखी है, जितना धिक्कार मैंने भाजपा से सहा है ना और हिंदू समाज से सहा है ना वो मैंने ही देखा है और मैंने ही झेला है। बोलने में तो बहुत अच्छा लग जाता है कि हाँ हाँ मैडम हम आपके साथ हैं, पर जब साथ होने की बात होती है तो इसी MIM के कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आप उस बाल मंदिर की जगह पे अकेली गई क्यों थी। अरे भाई मुझे क्या पता था क्या कि वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, और मुझे तो नहीं पता था ना कि ये लोग, मैं तो उनको पर्सनली जानती भी नहीं हूँ और जानने की इच्छा भी नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे लिए ये लोग मायने नहीं रखते। वो कहते ना छोटी छोटी फाइट्स जो होती है ना उसको करनी मैंने छोड़ दी हैं, मैं अब कहीं और ही सोचती हूँ और मेरी सोच ही दूसरी लेवल की है, तो उन नीचे गिरे हुए चीज़ों में मैं आती नहीं। और जो ये करने की कोशिश कर रहे हो ना आप लोग, ये भेज भेज के मुझे मैसेजेस कि आपको तो ऐसा वैसा जो भी, अगर आप लोगों ने ये बंद नहीं किया, अच्छा प्रॉब्लम आपको है, आप बजरंग दल से हो, आप हिंदू समाज से हो, तो खुश रहो ना भाई, लड़ाओ बीजेपी को, लड़ाओ ना किशनगंज से, जिताओ, खुश रहो, अरे खुश रहो भाई, परेशानी की क्या बात है, अच्छी बात है, हाँ मैम आई एम, हम भी लड़ेंगे और हम भी जहाँ जहाँ जीतना होगा हम भी जीत जाएंगे। बट इन अ वेरी स्मॉल नोट अब मैं बंद करूँगी अपना लाइव, दिस इज़ टू आवर नेशनल प्रेसिडेंट सर, दिस इज़ फॉर यू, थोड़ा बिहार यूनिट को देखें, एंड आई एम नॉट अ बस कंडक्टर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगर आपको बुरा लगे तो, बट मैं कोई बस कंडक्टर नहीं हूँ जो बैठ के टिकट काटूँ। एजुकेशन की बात करें, अपनी एम्पावरमेंट की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, सच्चाई का साथ दें, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। और दो लोगों के और तीन लोगों के कहने पर ये बिहार टीम नहीं चलने वाली है, आप ये याद रखें। एंड अबव ऑल MIM इज़ द बेस्ट, एंड आज इतनी हमारी पार्टी अच्छी हो गई है कि हम इसे अब हैदराबाद की पार्टी नहीं MIM बिहार कहते हैं, और मुझे गर्व महसूस है होता है कि मैं इस पार्टी से हूँ। लेकिन जाते जाते फिर कहूँगी कि सिर्फ दो लोग से ये पार्टी नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच।